नमस्कार, हेराल्ड 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। अनूपपुर जिले में लोकायुक्त कार्यालय रीवा की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। नगर पालिका परिषद बिजुरी पहुंचकर पूछताछ कर दस्तावेजों का निरीक्षण करने के साथ ही टीम के द्वारा बिजुरी थाने में पहुंचकर संबंधित अपराध के संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की और आरोपियों की तलाश की बात कही। लोकायुक्त रीवा द्वारा 7,29,00,000 रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में 31 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं पर अपराध दर्ज किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोकायुक्त टीम बिजुरी नगर पहुंचकर कई आरोपियों की तलाश करने के लिए आरोपियों के घर खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। लोकायुक्त रीवा निरीक्षक जिया उल हक ने बताया कि यदि आगे और लोगों के खिलाफ साक्ष्य पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी अपराध दर्ज किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकायुक्त लोकल पुलिस की मदद से आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करने में सफल होती है। थाने में हमारे साथ में आए हुए लोग हमारे साथ में बैठे हैं। थाने में बैठे जी लोकायुक्त में नगर पालिका बिजली में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए जो अपराध दर्ज हुआ उनके आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए आ जाए थे यहाँ बिजली की टीम के साथ जी। तो जाकर हम यहाँ शैलेश शुक्ला, सतीश शर्मा, मनीष गोयनका आदि आरोपियों घर में दबिश दी और घर के मिले नहीं जी। घर के सदस्य उनकी किसी की माँ और किसी की पत्नी मिली, उन सबको समझाया है कि भाई जैसे आते हैं हमको कवर करें और सरेंडर करें हमारे पास जी। तक पुलिस उनको गिरफ्तार करके कब तक सर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जैसे ही मिलेगी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।